तो गाइस आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के शटडाउन, रीस्टार्ट, हाइबरनेट और स्लीप के बारे में। कैसे ये सभी एक दूसरे से अलग हैं और ये कैसे काम करते हैं बताऊंगा मैं इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वो है शटडाउन के बारे में। तो मेरे को नहीं लगता शटडाउन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस चीज़ को डेली काम में लेते हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं बटन से और उसके बाद जब हम बंद करने जाते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर प्रॉपर शटडाउन और प्रॉपर तरीके से बंद हो, तो हम इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं शटडाउन, जिसके थ्रू हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर तरीके से बंद हो पाता है। और आप जानना चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर को प्रॉपर क्यों शटडाउन करना चाहिए, तो यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पूरी डिटेल में बताया है। दूसरा है रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट भी हम कॉमनली यूज़ करते रहते हैं, और वहाँ पर वो आपने जो कंप्यूटर है उसको प्रॉपरली शटडाउन करता है और उसके बाद उसको ऑटोमेटिक रीस्टार्ट करता है तुरंत, और वहाँ पर आपको बटन दबाने का ज़रूरत नहीं है, आप वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर देगा बंद करने के बाद में। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं जो शटडाउन और रीस्टार्ट, ये एकदम कॉमन है, इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा स्लीप और हाइबरनेट के बारे में। तो ये दोनों ही एक दूसरे से कैसे अलग है और क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो अब बात करते हैं स्लीप मोड के बारे में। तो यहां पर जब भी आपने कंप्यूटर या लैपटॉप को स्लीप मोड में डालते होंगे, जब भी वो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते होंगे, तो ये चीज नोटिस करते होंगे कि आपके जो कंप्यूटर का स्क्रीन है, लैपटॉप वगैरह का स्क्रीन है, वो कंप्लीटली ब्लैंक चले जाता है, बंद हो जाता है, और आपको जितने फैंस वगैरह रहते हैं वो घूमना बंद कर देते हैं, यानी टोटल आपका जो कंप्यूटर है वो बंद सा हो जाता है। लेकिन यहां पर वैसा नहीं रहता जैसा आप सोच रहे हो। जब भी आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, स्लीप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो आपका जो कंप्यूटर है वो लो पावर मोड में चला जाता है, जिसमें होता यह है कि जितने भी आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो, क्रोम में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो, और आप उस दौरान स्लीप मोड में जाते हो, तो वहाँ पर जितने भी फाइल्स वगैरह ओपन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल जो आप काम कर रहे हो, उन सभी को वो रैम में कॉपी कर देता है, मेमोरी में कॉपी कर देता है, और उसके बाद वो लो पावर स्टेट में चला जाता है। और क्योंकि सभी फाइल रैम में रहती है, और यहाँ पर जो रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है, तो वो उतनी पावर कंज्यूम नहीं करता जितनी वो चालू यानी पूरी ऑन कंडीशन में कंज्यूम करता है। यहाँ पर वो थोड़ी बहुत पावर कंज्यूम करता रहता है ताकि जो रैम है वो ऑन रहे और पूरी फाइल सेफ रहे। तो ये होता है स्लीप मोड में कि आपकी जो जितनी फाइल रहती है वो रैम में रहती है, और जैसे ही आप दोबारा उस स्लीप मोड से उसके वेकअप करते हो, तो वो तुरंत ही आपके जितने भी वर्क वगैरह है, तुरंत आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है चालू हो जाता है, आपके सामने आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो रैम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहती है, SSD वगैरह से भी कई ज़्यादा फास्ट रहती है, और इस वजह से आप जैसे ही स्लीप मोड से उसे वेकअप करते हो, तुरंत आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने पूरा आपके वर्क वगैरह जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सब चीज़ आपके सामने आ जाता है, उसमें कुछ ज़रा सा भी डिले नहीं होता है। अगला यहाँ पर वो है हाइबरनेट। तो जब भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को हाइबरनेट करते हो, तो वो जितनी फाइल्स वगैरह रहती हैं विंडोज़ की, जो वर्क वगैरह कर रहे हो, हर फाइल को कॉपी करता है आपके स्टोरेज डिवाइस में। जब जो हम यूज करते हैं SSD, मैकेनिकल ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह, उन सब को कॉपी करता है वो स्टोरेज डिवाइस में। और क्योंकि जो स्टोरेज डिवाइस रहती है वो नॉन वोलाटाइल रहती है, और यहां पर जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी रहती है, स्टोरेज डिवाइस रहते हैं, उनको किसी भी टाइप की पावर नहीं चाहिए किसी भी चीज को स्टोर रखने के लिए। इस वजह से आपको जो कंप्यूटर है वो पूरी हर तरीके के पावर को कट कर देता है, उसको कोई भी पावर नहीं चाहिए उस डेटा को स्टोर रखने के लिए। यहाँ पर इस वजह से जब भी आप अपने कंप्यूटर को हाइबरनेट से दोबारा वेकअप करते होगे, दोबारा ऑन करते होगे, तो वहाँ पर वो यूजुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है एज़ कम्पेयर टू स्लीप, क्योंकि जितनी फाइल्स वगैरह रहती है वो SSD और हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह में रहती है, तो वहाँ से उनको लोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है एज़ कम्पेयर टू स्लीप, क्योंकि जो स्लीप है वहाँ पर हर फाइल रैम में रहती है और रैम काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहती है। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, और वो है हाइब्रिड स्लीप, जो कि बेसिकली कॉम्बिनेशन है हाइबरनेट का और स्लीप का। यहाँ पर ये करता ये है कि जितनी फाइल्स वगैरह रहती है उन सब को कॉपी करता है रैम में और स्टोरेज डिवाइस में। तो यहाँ दोनों जगह वो फाइल को कॉपी करता है, जिससे होगा ये कि अगर इन केस अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह है जो कि है स्लीप मोड में, अगर इन केस लाइट चली गई, पावर आउटेज वगैरह हो गया, तो वहाँ पर क्योंकि वो रैम में है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, उसको कंटिन्यू पावर चाहिए डेटा को बनाए रखने के लिए, तो वो सब चले जाएगा, यानी आप वहीं से काम अपना रिज्यूम नहीं कर पाओगे। लेकिन हाइब्रिड स्लीप में तो वो दोनों जगह फाइल स्टोर हुई है आपके स्टोरेज डिवाइस में, तो अगर पावर चली भी गई, लाइट चली भी गई, तब भी आप अपने वर्क को वहीं से रिज्यूम कर पाएंगे।
डेस्कटॉप में बाय डिफॉल्ट हाइब्रिड स्लीप एक्टिव रहता है, लैपटॉप में मेरे ख्याल से नहीं रहता है, तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो वो चीज़ अब मैं बता दूंगा यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, और आपको ये जो हाइब्रिड स्लीप है उसके लिए स्पेशल कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये नॉर्मल स्लीप वाला ही ऑप्शन है। अगर हाइब्रिड स्लीप एनेबल है तो वो ऑटोमेटिक हाइब्रिड स्लीप में ही जाएगा, और बाय डिफॉल्ट ये जो डेस्कटॉप उसमें एक्टिव रहता है, लैपटॉप में अगर नहीं रहता तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जल्दी से कि उस चीज़ को कैसे एक्टिव करना है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा पावर ऑप्शन में। पावर ऑप्शन के बाद आपको जो भी आपने पावर स्कीम को सेलेक्ट किया है वहाँ पर उसके चेंज प्लान सेटिंग में जाके वहाँ पर चेंज एडवांस पावर सेटिंग में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेंगे स्लीप वाला, तो इसको एक्सपेंड करना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं अलाउ हाइब्रिड स्लीप। तो ये डेस्कटॉप में आपको बाय डिफॉल्ट एक्टिव मिलेगा, लैपटॉप में अगर आपके ऑन या ऑफ वगैरह है तो आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से आप हाइब्रिड स्लीप को एनेबल कर सकते हो, और यहाँ पर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में आप पावर ऑप्शन में जब भी आप इस बटन में क्लिक करते होंगे तो आपको यहाँ तीन ऑप्शन मिलता होगा, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में यहाँ पर हाइबरनेट ऑप्शन लाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोबारा जाना है बैक। इसके बाद यहाँ पर आपको एक लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा चूज़ व्हाट द पावर बटन डू, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर ऊपर एक मिलेगा चेंज सेटिंग दैट आर करेंटली अनअवेलेबल, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये चीज़ सेलेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर आपके अनचेक होगा बेसिकली, तो यहाँ पर आपको चेक मार्क लगा देना है और उसके बाद सेटिंग को सेव कर देना है, और इसके बाद आपको जो हाइबरनेट है वो डायरेक्टली यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आपको डायरेक्ट हाइबरनेट करना है तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे हाइबरनेट और स्लीप में डिफरेंस, और आपको हाइबरनेट अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वो भी समझ में आ गया होगा कि आपको वो कहाँ से लाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है सजेशन है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर मिल ले तो फिर आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ उस बेल आइकन में भी क्लिक करेगा ताकि मेरे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। सो गाइस दिस इज प्रसन्न मालविया एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।